हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। आज यहाँ लोधी गार्डन से मैं मौजूद हूँ। आमतौर पर स्टूडियो से मैं आपसे बात करता हूँ, बट आज का जो वीडियो है वो लोधी गार्डन से। और हमारे साथ कौन है, बहुत ही विशेष मेहमान है, बहुत मुश्किल से मिले हैं मुझे, तो इनके साथ आज एक छोटा सा वन ऑन वन इंटरव्यू है। इसमें जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं आमतौर पर स्कैम के बारे में वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि लोगों का जो कीमती समय है और पैसे हैं वो ख़राब ना हो। तो आज का जो वीडियो है वो इनके साथ विशेषता इसलिए भी है क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने ऐसे ही कुछ YouTube में जो गंद फैली हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, और उस आवाज़ उठाने के जो परिणाम स्वरूप उनके जो चैनल पे है स्ट्राइक दे दी गई YouTube के द्वारा। और इसका जो कुछ फ़ायदा है वो बहुत सारे YouTube कम्युनिटी के जो अदर क्रिएटर्स हैं वो उठा रहे हैं। कुछ लोग हेट में इनके वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेटरेट फैला रखा है, कुछ लोग इनके सपोर्ट में भी वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ चर्चाएं हम करेंगे अंशु जी के साथ। मैं आपको इनका परिचय दे देना चाहता हूं। YouTube पर ये मशहूर हैं YouTube वाले बाबा के नाम से। जब भी ये कहीं जाते हैं, आपने इनका गेटअप भी देख ही लिया होगा, पूरी तरह से बाबा के गेटअप से ही है। और इनको अभी अभी किसी ने गिफ्ट किया है ये माला वगैरह। हम लोग यहाँ पर जो कि हमारे देखिए नाम के ही माला वगैरह बनाए थे, ठीक है, गाड़ी वगैरह में सब कुछ बेच रहे थे। कल क्रिएटर कार्नर्स था वहाँ इवेंट, वहाँ भी आए हुए थे, बहुत ज्यादा धूम मचाए हुए थे। बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग तरीके से हमको खुश करने की कोशिश की गुप्ता जी हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, तो सर जी का जो चैनल है टेक चैंपियन सपोर्ट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब वाले बाबा ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, लाइक वीडियो बना के फेसबुक से यूट्यूब से सीखना है, समझना है कैसे काम होता है, वो सारा प्रोसेस हम बताते हैं। बिल्कुल, तो पैसे गवाने वाली सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप गवा सकते हो, लेकिन अगर पैसे कमाना है आपको तो पैसा कमाने वाले हम बताते हैं, मतलब उल्टा हो गया। नहीं नहीं, गवाने से बचाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। अच्छा, गवाने से बचाने का जी, अगर कोई स्कैम हो रहा है किसी तरह का, कोई नहीं स्कैम होने वाला है तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सर जी का जो चैनल है वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आप किस तरह से YouTube पर काम करें, Facebook पे काम करें, Instagram पे काम करें, जिससे कि आप चार पैसे की कमाई कर सकते हैं। और चार पैसे की नहीं, और वही जो चार लाख और 40 लाख की भी कमाई कर सकते हैं। वही जो पैसे हैं उनकी गवाही करने से बचे कैसे, मान लीजिए कोई आपको स्कैम कर लिया जी, उससे बचने के लिए ये भाई साहब बताते हैं कि नए नए मार्केट में कौन से स्कैम आ रहा है, उससे बचाव कैसे करें, उनसे क्या बचने के लिए हम क्या क्या तरीका और अपना सकते हैं जी। बिल्कुल, तो आज विशेषता मुद्दा वही था, सर ने एक गंदे वीडियोस के खिलाफ, जो YouTube पर आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी गंदगी वाली जो है वीडियोस लोगों ने बना रखी है, उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया। उसके खिलाफ ये वीडियो बनाने का मकसद था कि जो ये क्रिएटर्स हैं और YouTube तक ये बात पहुंचे कि इस तरह के क्रिएटर्स को बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे खुद के फीड्स में ऐसी वीडियोज़ आती हैं, बच्चे देखते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है और इस तरह की गंदी वीडियोज़ वहाँ पर आती हैं। उसी का इस्तेमाल सर ने किया अपने वीडियो में, और उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो के अंदर कुछ नहीं किया है उसमें। सर एक चीज मैं बताऊं जी, जी मैंने अलग से थंबनेल तो क्रिएट नहीं किया था, बिल्कुल, कि मैं अलग से ही वो फोटो बनाया हूँ, खुद से क्रिएट किया हूँ, वो यूट्यूब की प्लेटफॉर्म का ही वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट लगाया, बिल्कुल, जो कि ऑलरेडी वो थंबनेल 11 दिन तक फुल स्क्रीन पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा था जी, ठीक है जी जी ठीक, तब कोई स्ट्राइक नहीं मिली जाती, ना थंबनेल रिमूव होता है, धड़ल्ले से वीडियो चलती, 8 लाख व्यू आ जाते हैं जी। जब YouTube वाले बाबा उस पर वीडियो बनाते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं गल लेते हुए जी, तो उस पर क्या होता है, ठीक 2 दिन बाद जब वो वायरल होने लगता है, 1 लाख व्यू आ जाते हैं 2 दिन के अंदर ही, पहले दिन ही वो पहुंच जाता है, दूसरे दिन ही वो वीडियो YouTube डिलीट कर देता है, वीडियो नहीं वो थंबनेल डिलीट करके हमें स्ट्राइक दे देता है जी। और ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक पड़ी थी, ठीक है, उसमें तो अपलोडिंग चालू थी, और वन स्ट्राइक आने पे अपलोडिंग 1 वीक के लिए YouTube पर बैन हो जाती है, बंद हो जाती है, 1 वीक के लिए आपको बाहर भेज दिया जाए, जाइए आप रेस्ट करिए जाके। तो अभी हम रेस्ट जोन पे चल रहे हैं, वो YouTube की गलतियों की वजह से। और सर ठीक है, उस जो थंबनेल लगाया गया था वो वीडियोस का था जो YouTube पर ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, YouTube ने मेरे को स्ट्राइक दिया और लोगों का सिर्फ थंबनेल रिमूव करता है जी, एक बार उसको बताता है मेल करके कि आपका रिमूव किया गया थंबनेल, वीडियो नहीं और दूसरा थंबनेल लगाइए, हम आपको स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं जी, लेकिन हमें स्ट्राइक दे दिया, समझिए जी। इसके पहले भी आपने एक वीडियो बनाया था जहां पर एक ऐप थी रूपी ट्यूब के नाम से, हाँ, जिसमें कि YouTube की वीडियोस को लाइक कीजिए, पैसे कमाइए, इस तरह का कोई स्कैम कमाइए, तो उन्होंने टाइम पर बात करते बनाए हैं उसमें, और उसके अच्छा बारे में आया है। बिल्कुल अच्छा रिस्पांस आया है, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई डर नहीं लगता इस तरह के वीडियोस बनाते समय कि ये जो एप्स हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, वो एप्स आप पे कोई एक्शन लें, आपके चैनल पे कोई एक्शन लें, उनका खुद घर नहीं है कुछ तो हमारे ऊपर एक्शन का लें, खुद चोरी चमारी कर रहे हैं ऑनलाइन जी,
लोगों को बेवकूफ बना रही तो हमारे ऊपर एक्शन कह लेंगे, उनकी खुद फटती है। हम लोगों काम है रोकना। मान लीजिए आप स्कैम को रोक रहे हैं, आपको डर लगता है कि सामने वाला आपको गोली मार देगा, आपको मारने का प्लान करेगा? कोई नहीं है। इनफैक्ट कई सारे स्कैमर ने मेरे नाम से ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं कि भैया हम ट्रिवैगो कंपनी से बोल रहे हैं और हमने इस आदमी के ऊपर केस कर दिया। इसकी स्क्रीनशॉट में मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। कई सारे ऐसे ग्रुप्स में जहां पर स्कैमर्स चीट करते हैं, वहां पर उन्होंने, ताकि वो बंदे जो है वो वीडियोस ना देख लें, इसलिए उन्होंने ये पहले से ही वायरल करना शुरू कर दिया है कि ये बंदा जो है चीटर है, इसके विश्वास मत करो। हमने इसके ऊपर जो है पहले से ही एक लीगल केस कर रखा है। तो वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरने का किसी के बाप का खाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, अपने मेहनत का खाते हैं जी। तो किसी के बाप के नहीं खाते तो उससे डरने की क्या जरूरत है? जहां हम सही हैं हम सही हैं। तो YouTube की तरफ वही 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 लोग वही लोगों को बड़ा बुरा लगता है हमारी जो कम्युनिटी में है कि हम सच के साथ क्यों देते हैं, हम सच क्यों बोल देते हैं। तो YouTube की तरफ से जो भी ये स्ट्राइक आया, इसके बाद से कोई आपके हौसले में कोई कमी तो नहीं? अरे हौसला और बुलंद हो गया है। अभी तो ये सिर्फ स्ट्राइक आया है। बिल्कुल। स्ट्राइक करने से क्या हुआ, एक हफ्ते के लिए वीडियो का दूसरा चरण पे काम करने लगे। बिल्कुल, $100 उसमें बना लिया 3 दिन के अंदर। जी पैसे की कमी नहीं यहाँ पर, काम करने के लिए हमें काम करना है तो हम इसमें नहीं दूसरे चरण पे काम कर लेंगे, पैसे वहाँ से कमा लेंगे, लोगों तक अपनी बात वहाँ से पहुँचा लेंगे और उसमें लाखों में व्यूज भी आ गए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अभी मैं उसी में काम कर रहा हूँ। अभी 2 दिन से तो नहीं डाला उसमें वीडियो क्योंकि बाहर हूँ मैं, लेकिन हाँ एक चीज का बुरा लगता है, 4 दिन हो गया अपील किए हुए जी, कोई जवाब नहीं आया YouTube का हमारे लिए। समझिए, मेरा भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी ऑडियंस को कि मैंने एक YouTube लाइक वीडियोस पे एक मैंने स्कैम पर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो मेरा 10,000 से 12,000 व्यूज ले गया। उसके बाद स्कैमर्स ने उसको रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद YouTube ने उसको निकाल दिया और मैंने YouTube में अपील करके पूरी लंबी चौड़ी गाथा लिखी। मैंने बताया भैया आपके नाम से स्कैम हो रहा है, तुम्हारी वीडियो लाइक करके लोग स्कैम कर रहे हैं और आप उसी वीडियो को रिमूव कर रहे हो जो कि अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ये पॉलिसी के बारे में एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि इनको पता नहीं है कुछ ना, इनको पता नहीं ना YouTube को, वो मैनुअली रिव्यू करते हैं, कैसे करते हैं भगवान जाने क्या है। इनको YouTube पर गंदे कंटेंट को ज्यादा सपोर्ट कर देता है। बिल्कुल, मैं भी ये देख रहा हूँ, गाली गलौज वाला वीडियो होता है तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है। वो नहीं है उनके खिलाफ हो गया, जो अवेयरनेस की वीडियो होगी वो लगेगा नहीं, अरे हम लोग क्रिएटर हैं, हम उस चीज को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप उसी को बढ़ावा दे रहे हो और जो रोकना चाह रहा है उसी की स्ट्राइक दे रहा है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो कुछ भी एपिसोड हुआ कि आपने एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई और आपके साथ एक ये स्ट्राइक वाली वारदात हो गई, ठीक है, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स भी और छोटे क्रिएटर्स तो ऑब्वियसली इसका फायदा उठाते ही हैं थंबनेल में इस तरह की चीजें डाल करके। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे उसके, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत गंदी गंदी बातें भी लोग कह रहे हैं और आप कैसे उसको ले रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बार लोग मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं सब चीजें देख करके। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं जी। मैं हाथी हूँ, वो कुत्ते हैं, पहला ये बात। मुझे अपना काम करना है, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मुझे वो पसंद है। कोई क्या बोल रहा है, कोई कितना मेरे बारे में गाली दे रहा है, मुझे भला बुरा कह रहा है, जिस दिन आपकी ऊंचाइयां हो रही हैं, आप फेमस हो रहे हैं ना, उसी दिन लोग आपकी बुराइयां करते हैं। सही, ये बात याद रखिएगा। सही बात, आज लोग मोदी जी को भी पीठ पीछे गाली देते हैं, लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो इंसान ही है यार। बिल्कुल सही बात, इंसान परेशान होता भगवान को गाली दे देता है, तो हम तो इंसान है तो देने दीजिए, एक क्या फर्क पड़ता है। एक बहुत ही गाली देने से हमारे खुद में कुछ होने वाला है, किसी के मनाने से किसी का पड़वा मर जाता तो लोग कितना मनाते, भगवान वो मर जाता, मर जाए मनाने से नहीं और अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए आज कितने लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग कितना भी भरा बुलक है लेकिन फिर भी कितने लाखों क्रिएटर। अरे कल ही जब हम क्रिएटिव कार्निवल में गए, देखिए आप वहाँ पर क्रिएटिव कार्निवल हुआ था, उसमें आप देखिएगा सर का जलवा काफी ज्यादा वो था। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के अंदर जो जुनून था जोश था सब कुछ दिख रहा था। एक सवाल है बार बार मेरे कमेंट्स में आता है, कई लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं स्कैम के लिए वीडियोस बनाता हूँ, अवेयरनेस वीडियोस बनाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार इसका क्या है, ये तो पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा है। तो मतलब ये एक सवाल बार बार आता है कि पैसे कमाने के लिए वीडियो आ रहा है, और मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, भले ही मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, आपका कंटेंट है, मेरा प्रोफेशन नहीं है ये आपका कंटेंट है। यस ठीक है, तो अगर उससे आप पैसे तो कमाएंगे। बिल्कुल, लोगों को अवेयर करना है। बिल्कुल, हमारा कंटेंट है लोगों को सिखाना, एजुकेट करना कि ऑनलाइन इस तरीके से काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, हमारा काम है वो बताना। अब लोग कहते हैं आप कमा रहे हो यार, गलत कर रहे हो। बिल्कुल, तो मतलब क्या फ्री में काम करेंगे? अरे पेट कहाँ चलेगा हमारा, तो हम चार पैसे कमा रहे हैं, अगर 5 लाख 10 लाख
तो आपको भी सिखा रहे हैं ना कि आप भी मेहनत करिए, हमसे ज्यादा कमाइए। बिल्कुल सही बात, हिम्मत आप दिखाइए ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है ना। प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, बिल्कुल, आपके दो आंख है, एक कान है, एक नहीं दो हैं, मजाक कर रहे थे, तो आपके सेम जो है वो हमारे भी हैं जी। आपके पास भी दिमाग लगाइए, मेहनत करिए, सही बात, कोई आपको रोका थोड़ी ना है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, कोई पैसे नहीं लग रहे, ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई बहुत पैसे लग रहे हो कि मैंने खर्च कर दिए मैं बढ़ गया, इन्होंने खर्च कर दिए बढ़ गए, और दूसरा कोई नहीं बढ़ा। हम मेहनत को मेहनत करनी पड़ेगी सबको, उसके बाद ही आगे। और भैया भी मेहनत कर रहे हैं, स्कैम को बताते हैं, रोकने की कोशिश करता, ताकि मान लीजिए स्कैम मेरे साथ हो गया सर जी, आपने, मैंने वीडियो में बता दिया कि ये प्रॉब्लम आ रही भैया, ऐसे ऐसे स्कैम हुआ। अब वो वीडियो अगर 1,00,000 लोगों तक गई जी, तो 1,00,000 लोगों को पता चल गया इस स्कैम के बारे में। अगर उनके पास कभी वैसे स्कैम के मैसेज व्हाट्सएप में कैसे भी कुछ लिंक आता है जी, तो वो लोग तुरंत समझ जाएंगे भैया ये स्कैम है, पैसा लूट लेगा हमसे। बेसिकली आपने बचाया, अवेयरनेस किया, अवेयरनेस की, आपने वहां से सिर्फ पैसा अपना फायदा निकाला जी, आपने अवेयर किया लोगों को। बिल्कुल सही बात, आपको आपको यूट्यूब पे 1,00,000 पे कितना मिल जाएगा, $2,000-4,000 $4,000 मिल जाएंगे। आपने लोगों के कितने स्कैमर्स के पैसे जा रहे हैं बचाए, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा, कितने करोड़ों आपने बचाए, कमेंट्स आते हैं, नहीं देखेंगे, जेन्युइनली आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाता हूं, लेकिन बहुत लोग अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे वहां पर ये लिखते हैं कि सर मैं 10,00,000 रुपए लगाने वाला था आपकी वजह से बच गए, सर मैं 5,00,000 रुपए लगाने वाला था आपकी वजह से बच गए, मैंने 1,00,000 लगा दिए हैं, मुझे 1,00,000 का दुख नहीं है, लेकिन 10,00,000 बच गए उसकी खुशी है। भैया इस इंटरनेट की दुनिया में ना, यहाँ अच्छाइयां हैं तो तुमने 1,00,000 गुना बुराइयां हैं। बिल्कुल, ये बात समझ लीजिएगा, इसका इस्तेमाल लोग सही तरीके से भी करते ना तो हजारों, उससे 10 गुना ज्यादा लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के करते, ताकि आपको किस तरीके से लूटा जा सके। तो इस चीज को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया का चैनल है एजे टॉक्स, इनको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अच्छे कमेंट करेंगे इनको भी एनर्जी मिलेगी, एक अच्छा लगेगा, नहीं यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग शेयर ज्यादा करिए, ऐसे वीडियो शेयर करने से ज्यादा फायदा होगा, ताकि आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, शेयर करेंगे व्हाट्सएप वगैरह में, तो जो लोग देखेंगे आपके जो फैमिली है एटलीस्ट वो तो बच पाएगी। बिल्कुल सही बात, आप बच गए, मान लीजिए आपके चाचा दादा या फिर मामा फूफा सारी वारी आपकी फंस गई, तब समझिए ना उनको भी बचाइए सब चीजों से, मजाक कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है मेरा आपसे, इंटरव्यू को खत्म करते हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, तो आखिरी सवाल ये है कि चूंकि गंवाने वाली बात तो मैंने बता दी कि भाई गंवाने से पैसे बचाए जा सके, या कुछ लोगों ने गंवा भी दिए हैं, तो अब उनको कमाने के लिए आपकी तरफ से कुछ एक दो टिप्स हो जाए, अच्छा। जिससे कि आप ये अवेयर कर सकें, आप बता सकें लोगों को कि क्या करना चाहिए यूट्यूब पर खासकर और फेसबुक के खासकर। आज की डिजिटल दुनिया में सर मोबाइल फोन सभी के पास है, ज्यादातर लोगों के पास है, और आप तो बांटते भी हैं। हाँ, मैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी महानता ये है कि इन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को, अभी पिछले महीने मैंने 5 फोन बांटे, इसके पहले मैंने 5 फोन दिए थे, बिल्कुल शुरुआती दौर में, ये कोई नहीं करता, अपनी अभी 50 माइक भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मैं अनाउंसमेंट किया है लिस्ट बना के उनको अनाउंस करके वो 50 माइक भी ट्रेवल वो करना, अपनी कमाई कोई नहीं बताता, और कमाई से शेयर करना तो छोड़ दो, कोई बताता नहीं है कि मेरी कमाई कितनी है, लेकिन मैंने खुद देखा है, मैं इनके वीडियोस बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ये घर घर जाके, ऐसा भी नहीं कि बुला करके कुरियर से भेज दिया, लोग कहते घर घर जा करके, मैंने देखा है कि वीडियो देख करके पैसे देकर कुछ उल्लू और चूतिए लोग हैं इंटरनेट पे जो हमारे ही चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं बोलो क्लियर बोल रहा हूँ जी, इतने बेवकूफ लोग हैं वो मेरे को कमेंट करके कहेंगे अबे तू जाके उसके पास वीडियो बना रहा ड्रामा कर रहा, भाई तू मोबाइल देना है तो तू उसको ही दे देना, सीधा कुरियर कर देना उसके पास जी, चला जाएगा, तू जाने की तुझे क्या जरूरत है, तू जितना वीडियो नहीं बनाएगा वीडियो बनाएगा उतना, जितना मोबाइल नहीं दे रहा उससे ज्यादा कमा लेगा जी, अब ऐसी सोच के लोग हैं। नहीं, लेकिन कमाई से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, अगर कमा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, मेहनत कर रहा हूँ कमा रहा हूँ, मांग तो नहीं रहे, चोरी तो नहीं कर रहे किसी की, एक आप क्यों, अगर कोई देख रहा है इसका मतलब मीनिंगफुल है ना, वो कोई कंटेंट मीनिंगफुल है इसीलिए देखा जा रहा है, वही चीज है, अगर उन्होंने वीडियो जी उन्हीं उसी वीडियो की कमाई से ही तो वो किसी को देके आ रहे हैं, किसी की मदद करके आ रहे हैं, जिसकी मदद हो रही है, जिसकी मदद हो रही है, देखिए वहां पर दो चीजें हैं जी, उसके चैनल को मैं प्रमोट भी करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जो की आज की डेट में मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बनाने का 1,00,000 रुपए लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेरे से 8 से 10 मिनट अपना प्रमोशन कराते हैं वीडियो बनाते हैं 1,00,000 रुपए लेता हूँ जी, तो मैंने 1,00,000 का काम बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ, मैंने नहीं 1,00,000 का काम बिल्कुल फ्री में, उसको प्रमोट करो, 10,000-12,000-13,000 का फोन दिया मैंने, 13,000-13,000 का फोन, बिल्कुल, तो 13,000 के फोन मैंने फ्री में दे रहा हूँ जी, अब समझिए मैं अपना कितना नुकसान में कर रहा हूँ कि सामने वाले का फायदा हो रहा है, बिल्कुल सही बात, लोगों को समझना चाहिए, लेकिन सामने वाले का सपोर्ट हो रहा है दोनों तरह से, कुछ लोग हैं जो खिलाफत करते हैं, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग भी, उनको हम बहुत प्यार करते हैं जी, आई लव यू, इसमें खिलाफत करते हैं जी,
इसमें क्या है, दो तरह से मदद हो रही है, चैनल भी सपोर्ट हो रहा है उनका, हाँ। और साथ में उनको वो मोबाइल भी गिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो बंदा अच्छे से काम कर सके जो वो पहले से कर रहा है। तो मेहनत देख करके उनकी सपोर्ट करते हैं हमेशा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो हर यूट्यूबर के पास नहीं होती है, मैंने खुद ने फील की है, इसलिए शायद सब यूट्यूब वाले बाबा नहीं बन जाते, फेमस है। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो आज का वीडियो के चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज का वीडियो ये खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो में, फिर करेंगे बात कुछ स्कैम के बारे में, उसकी अवेयरनेस आपके सामने लेकर के आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।